राम जी, CBSE शिक्षा बोर्ड यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा रिजल्ट 2020 इंतजार खत्म कर दिया आप सभी के लिए। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा, लाइक नहीं की तो अभी लाइक कर दे, नीचे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जॉब व शिक्षा से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। डाउट नेट पे होगा अब आपके सभी डाउट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें, 3 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12वीं से लेकर के नीट, IIT, JEE Main एडवांस सभी की क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रकार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपनी 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और बाकी सारी जितने भी बोर्ड हैं लगातार अपने रिजल्ट्स जारी कर रहे हैं। उसी प्रकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE भी अब रिजल्ट निकालने में जुट चुका है। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाऊंगा आप सभी को, यहाँ पे देखिएगा CBSE बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2020 मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला लिया गया है, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी इस बार भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 10वीं एंड 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारियों में जुटा हुआ है बोर्ड। माना जा रहा है कि 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम 15 जुलाई को या इससे पहले भी जारी हो सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी यह भी आ रही है कि CBSE को अब परिणामों को लेकर काउंसलिंग ऑफ द इंडियन स्कूल यानी कि ICSE की तरह मेरिट लिस्ट जारी न करने का फैसला ले सकता है, ठीक है भाई। इस बाबत CBSE के परीक्षा नियंत्रण भारद्वाज ने बताया कि कोरोना के चलते एवरेज मार्किंग्स के जरिए बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। ऐसे में संभव है कि बोर्ड असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इस मेरिट लिस्ट न जारी किए जाए और न ही टॉपर का ऐलान किया जाए। संभावित टॉपर हो सकते हैं नाराज, यानी कि जो संभावित जो टॉपर हैं वो नाराज हो सकते हैं। इसलिए CBSE के इस फैसले से उन छात्र छात्राओं को झटका लग सकता है जो टॉपर बनने की क्षमता और इरादा रखते हैं। वहीं ज़्यादातर छात्र इससे सहमत हैं। यह फैसला मौका है कि जब CBSE को ऐसा कदम उठाना पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं CBSE के मुताबिक असेसमेंट स्कीम के तहत बोर्ड परीक्षाओं के पिछले 3 पेपरों के औसत नंबर के आधार पर नंबर तैयार किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो रद्द किए गए शेष पेपरों के मार्क्स उन पेपरों के आधार पर दिए जाएंगे भाई। और ये रिजल्ट आपका कल भी आ सकता है, परसों भी, और 15 तारीख से पहले फैसले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। CBSE के लिए इंतजार खत्म है भाई। धन्यवाद, सभी के साथ शेयर कीजिएगा।